आ जाइए। आपको एंजाइना का पेन प्रॉब्लम कर रहा है, हमें फौरी तौर पे एंजियोप्लास्टी की तरफ जाना होगा, ब्लॉकेज खत्म करनी होगी और स्टैंड लगाना होगा। मेरा ख्याल है कि आपको शाम को ही एडमिट होना होगा, क्योंकि रिपोर्ट्स बता रही है कि इस प्रोसेस को डिले नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत सेफ प्रोसीजर है ये, सिर्फ 2 दिन के लिए एडमिट होना होगा। ना तो मैं घबरा रही हूँ ना ही डर रही हूँ, बस याद आ गया कुछ अर्सा पहले मैंने हार्ट पेशेंट बनने का ड्रामा किया था। ड्रामा? मुझे क्या पता था कि मेरा एक किरदार हकीकत बन के सामने आ जाएगा। ठीक है, मैं आज शाम को एडमिट हो जाऊंगी, अब 2 दिन लगे या 4 दिन क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, मैं आपकी एडमिशन स्लिप बना देती हूँ, आप शाम को 6 बजे तक आ जाइएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। छोटे साहब को बताया बेगम साहबा ने? नहीं, उसको नहीं बताया, तुम भी मत बताना। अगर मेरी गैर मौजूदगी में फोन आए तो कहना 2-4 रोज के लिए इस्लामाबाद गए। लेकिन बेगम साहबा, वो सच जानकर मुझ पर बहुत खफा होंगे। नहीं होगा खफा, अब उसके पास किसी से खफा होने का ना वक्त है ना किसी के खफा होने की परवाह। लौट गया उस दुनिया में जहां से मैं उसे निकाल के लाई थी। तुम जाओ मेरा सामान रखो, मुझे एक फोन करना। जी ठीक है। किधर बज रहा है मेरा फोन? यहां तो नहीं है। ओ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, निम्रा शकीला बोल रही हूँ। हिम्मत नहीं हो रही थी फोन करने की, लेकिन पता है तुम लोगों की अच्छाई और नेकी ने मुझे ये हिम्मत दी कि माफी तो मांग लूं। दरअसल बात करने का जवाब तो हम लोग खो बैठे हैं शकीला, और जहां तक बात रही अच्छाई की, तो इंसान जब अपनी औलाद को नुकसान उठाते देखता है ना, तो माफी तलाफी की कोई गुंजाइश नहीं बचती। ठीक कह रही हूँ, औलाद चीज ही ऐसी होती है, मैं समझ सकती हूँ। दुआ कैसी है, क्या चंद लम्हों के लिए उससे बात कर सकती हूँ? ठीक है दुआ, बेहतर है और पहले से बहुत मुतमईन भी, और मैं उससे बात भी करवा देती, लेकिन वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ है और हम में से कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अरे वाह, ये सदमा झेलने के बावजूद दुआ ने अपनी पढ़ाई मुतासर नहीं होने दी। उसको बताना मेरा फोन आया था, और अगर हो सके तो उसे कहना चंद मिनटों के लिए मुझसे बात कर लो। शकीला, हमारी जिंदगी को खेल तमाशा मत बना कि जब दिल चाह खेल लिया और जब दिल चाह तमाशा लगा दिया। दुआ का अब तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही मैं उसे तुम लोगों से बात करने की इजाजत दे सकता हूँ। उसे इतना डिस्टर्ब मत करो कि वो अपनी नई जिंदगी शुरू करना ही भूल जाए। उसे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, जीने दो उसे। Thank you.
Good morning. The cheese omelet is ready, and I'm gonna bring you a coffee, okay? Coffee. 2 minutes. तो तुम क्या समझे? मेरे दुआ से रास्ता जुदा हो गया है तो मेरी गाड़ी तुम्हारे स्टेशन पर रुक जाएगी। इत्तेफाकन तुम मेरी गाड़ी पर बैठोगी और मेरी हम सफर बन जाओगे। और मैंने अभी तक तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। इनफैक्ट आई हेल्प्ड यू, यू वर टू ड्रंक। मैंने तुम्हारी गाड़ी चलाई, तुम्हें तुम्हारे घर लेकर आई। यू शुड बी थैंकफुल। आखिर पुराने रिश्ते कहीं तो ऐसा दिखाते हैं ना। पुराने रिश्ते नहीं, छोटे छोटे ऐसे रखते हैं हम। गाओ तकलीफ है, और पता है सबसे कमाल बात क्या है? चोटें जितनी पुरानी होती हैं दर्द उतना ही ज्यादा देती हैं। तकलीफ इंसान भूल नहीं पाता। तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सही कह रहे हैं आप। आप दुआ की दी हुई चोटों के बारे में बात कर रहे हैं ना? आई एम विद यू। इतनी गहरी, इतनी खौफनाक चोटें। सारे पढ़ने में वक्त लगेगा। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, टेक योर टाइम। इधर क्या किया उसने? सॉरी, सामने दिल पे कोई पीठ पीछे वार नहीं किया उसने। जितनी शफाफ उसकी आंखें ना उतना ही शफाफ उसका दिल है। कुछ लोग होते हैं ना गंदी सोच रखने वाले। एवो वेनमस सांप की तरह आपके आस्तीनों के अंदर आते हैं और हम उन्हें दूध पिलाते हैं, फिर वो वेट करते हैं एक वक्त का, अचानक से तुम्हारी तरह। ओके, सो तो उस बेवफा लड़की की आंखों का रंग तक याद है हमें, उनसे छलकती बेवफाई का जिक्र तक नहीं। इन होठों पे आज भी उनके लिए तारे और लहजे में मोहब्बत। तो वो क्या जो इतने सालों से मैं पागल थी क्या? हाँ, मोहब्बत पे
कांटों पे चलती आ रही थी, अपने आप को जलील करवा रही थी, वो क्या? हाँ तो मुझे आसिम का सांप कह रहे हो? हाँ सेल्फिश यू, इतने जालिम कैसे हो सकते हो तुम? मैं जालिम हूँ, एथियस्ट हूँ, मैं जानवर हूँ। ये सब कुछ कहता ना तुमने तो आपकी फैमिली को, तो क्यों यहाँ पे जलील होने आ जाती हो बार बार? Just get lost. Shut up. सुनो, मैं लौट के नहीं आना कभी, वरना इससे ज्यादा वैशी मिलूंगा तुम्हें। I'll see you. तकी, तकी बेटा। जी अम्मी। आप यहाँ बैठे और हम आपको पूरे घर में तलाश कर। ये लीजिए आपकी चाय। कहाँ खोए रहते हैं बेटा? औलादों के जब मराकबे और दुआएं लंबी होने लगे ना, तो उसका एक ही मतलब होता है। वो क्या अम्मी? उनकी शादी करती शक्ल। हमारे खानदान में है एक दो लड़कियां, हम सोच रहे हैं किसी एक से बात की जाए। नहीं नहीं अम्मी, अभी फिलहाल तो मेरी नौकरी इस काबिल नहीं है कि मैं ऐसी किसी बात के बारे में सोचूं। मामूली सी तो तनख्वाह है, मेरा अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से होता, शादी अफोर्डेबल नहीं है अम्मी इस वक्त। बेटा लड़कियां तो अपना नसीब अपने पल्लू से बांध के लेकर आती हैं, और फिर हमें किस चीज की कमी है? अल्लाह का दिया सब कुछ तो है। अम्मी मुझे एक काम याद आ गया, मैं वापस आता हूँ ना, तो खाना साथ में खाएंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। ये तकी इतना बदल क्यों रहे इस मौजू को? खैर तो है, ताबीन से बात करती हूँ। तो उस बेवफा लड़की की आंखों का रंग तक याद है हमें, होठों पे आज भी उनके लिए तारे और लहजे में मोहब्बत। तो क्या आज भी मुझे उसकी आंखों के रंग में वफा का रंग नजर आता है? क्या मैं उसकी बेवफाई पर बात नहीं कर सकता? क्या उसे धोखेबाज बेवफा कहते मुझे कोई तकलीफ होती है? क्या मेरे लफ्जों में खुद ब खुद उसकी तारीफ आ जाती है? क्या मेरे लहजे में उसके लिए मोहब्बत गूंजती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसका सीर नहीं हूं। आजाद फिजाओं में सांस लेता एक आजाद इंसान हूं मैं। उसने मुझे कैद करना चाहा, पाबंद करना चाहा, मजहब का, खुदा की मर्जी का, लगे बंदे रास्तों पर चलने का, मोहब्बत के नाम पर खुद साख्ता मजबूरियां कबूल करने का। लेकिन मैं एक आजाद इंसान हूं, बिल्कुल आजाद, तो मैं खुश हूं। मेरी जिंदगी में यह अकीदा नहीं है, तो मैं खुश हूं। मेरी जिंदगी में कोई मुस्तजाब गिल्ट नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई बोझ, कोई जिम्मेदारी। मैं खुश हूं, I'm a happy man। बेगम साहिबा, बहुत दिनों से आप रात का खाना नहीं खा रही हैं, बस दवाई खा लेती हैं, इस तरह तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगी। कमजोर ही तो हूँ,
हालांकि खुद को बहुत मजबूत और ताकतवर समझती थी मैं। पता है इंसान की असल ताकत और मजबूती क्या है? जी, उसका ईमान। सारी उम्र गुजार के यह नुक्ता बड़ी देर से समझ आया मुझे। अगर इंसान का ईमान कमजोर हो तो वो रेत की दीवार की तरह कभी भी ढह सकता है। मैं तो दुआ को दुआएं देती हूँ। छोटी सी लड़की छोटे से अरसे में क्या क्या समझा गई मुझे। बिल्कुल ठीक है। So whenever it's done, just give me a call. Hello? हाँ शहजाद, क्या हाल है? That's very nice. ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम हो यूनी में ना अभी तक? ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर। ओके। और का रिजल्ट आ गया। इंशाल्लाह तुम लोगों से मुलाकात करने जरूर आऊंगी। कल रिजल्ट आ रहा है यार, दुआ करना मेरे अच्छे नंबर आए। बहुत ज्यादा टेंशन में थी जब पेपर्स दे रही थी ना, पता नहीं कैसे हुए होंगे यार। अच्छा चलो सही है, मैं तुमसे बात करती हूँ बाद में। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। ताबीन तो अभी? मैं ताबीन से नहीं, आपसे ही मिलने आया। मुझसे? जी। दिस इज़ फॉर यू। अब आप ये सोच रही होंगी कि ये किस लिए? वेल, जो रिजल्ट आपका कल अनाउंस होना था वो आज ही होगा। रियली? जी, अभी आपकी यूनिवर्सिटी से ही आ रहा हूँ और बहुत बहुत मुबारक हो आपकी सेकंड पोजीशन आई। एंड दिस इज़ फॉर यू एज़ वेल। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपने मुझे वाकई बहुत अच्छी खबर सुना दी है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं दोबारा जिंदा हो गई हूँ। ओह, आई एम सॉरी, प्लीज अंदर चलिए ना। आप भी। अम्मा अब्बा, आप लोगों को बहुत मुबारक हो, मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया। ताकि बहुत अच्छी खबर लाए, मैं सेकंड पोजीशन आई हूँ। भाई वाह, माशाल्लाह। इधर आओ मेरे पास। यहाँ बैठो हमारे साथ। इधर बैठो। बैठो इधर। कमाल बात है भाई, इस खुशी में तो आपको अच्छी सी चाय भी पिलवाते हैं और मुंह भी मीठा कराते हैं तुम दोनों का। मेरी बेटी की मेहनत रंग ले आई, अल्लाह ताला ने सुन ली, वरना जिन हालात से गुजर रही थी ना, बहुत मुश्किल काम था ये। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी, इन हालात में जिस तरह से दुआ ने हिम्मत दिखाई है, इट्स कमेंडेबल। बेशक। अब आंटी, वो दयान और ताबीन नजर नहीं आ रहे। वो दोनों शहर गए हैं। अरे लो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो। अरे थैंक यू भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। मतलब सेकंड पोजीशन तुम्हारी बहन ने तो मैदान मार लिया। मास्टर्स इन इस्लामिक स्टडीज, बड़ी बात है यार, दैट्स फैंटास्टिक। आप लोगों से पहले सरप्राइज में से तक ही दे चुके हैं, अब समझ में आया क्यों भागम भाग शहर गए थे आप दोनों। जी, ये जो हमारे साले साहब हैं, इन्होंने हमारा सारा सरप्राइज किरकिरा कर दिया। बट एनीवेज, खुशी जितनी फैलती जाए खुशबू की तरह उतनी ही अच्छी लगती है। क्यों अब्बा, अब मैं अपना एमफिल कंप्लीट करूंगी, फिर उसके बाद लेक्चरशिप भी करूंगी। चलो, जो अभी किया है उसके लिए मुंह तो मीठा करो। ये मुझे पता था तुम ये खाओगे, ग्रीन वाली तुम्हारी फेवरेट। लो भाई, इनका भी मुंह मीठा कराओ बच्चों का। जो दिल चाहे करो, किसने रोका? मुझे पता है तुम कर भी लो। इंशाल्लाह।
ठीक है सब कुछ करना, लेकिन अपने घर जाकर। बस मेरी तो यही ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द तुम अपने घर की हो जाओ। उमा प्लीज, इस टॉपिक की तो भनक भी मुझ में ना पड़ने दें अब आप। मैं दूर रहना चाहती हूँ इस बात से। तुम्हें क्यों बताऊं? What? तुम्हें क्यों बताऊं? Why are you shouting? Who the hell are you to ask me? तुम जैसे लोग जो रिश्तों को कुछ डॉलर्स के ऊपर बेचते थे, कुछ डॉलर्स? Well, I bought a new apartment. तुम्हारे पैसे से। कभी आना? हम्म? सुना आजकल अकेले हो। And if I'm not wrong, तुम्हारी divorce भी file हो गई, right? Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। वो यूनिवर्सिटी से पता चला था तुम्हारी सेकंड पोजीशन आई है। खुद को रोक नहीं सकी, मुबारकबाद देने आई। बस तुमसे ये कहना था कि दिलों के भी रिश्ते होते हैं, सारे रिश्ते कागजों के नहीं होते। चली गई हो तुम हमारी जिंदगी से। खुदा की कसम अभी तक यकीन नहीं है। खुश रहो, बात अगर और ज़्यादा की है शिज़ा तो मुस्तजाब है, मैं कभी अकेला नहीं होगा। हमारे जैसी एक जाति है, हजार आती है। और दुआ जैसी? वेल, मैंने सुना है कि उसकी शादी होने वाली है। नहीं, इसका मतलब हुआ कि मुझ में और आप में तो कोई फर्क ही नहीं है। आप भी हजारों जैसे हैं। What did you say? कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं ना? यहां तो तुम उसके काबिल नहीं रहे। Shut up. वो कार्मा। सॉरी, मैं चली जाती हूँ, बट वन लास्ट थिंग, जब उसकी शादी होगी ना, मैं जरूर आऊंगी। आई एम इन टच विद हिम। क्या नाम है उसका? दया? शट अप। या ही इज रियली हैप्पी विद मी। इवन दे वर लाइक यू नो थैंकफुल। तुम्हारा असली चेहरा भी दिखाया मैंने उनको।
दिलों के भी रिश्ते होते हैं, सारे रिश्ते कागजों के नहीं होते। चली गई हो तुम हमारी जिंदगी से, खुदा की कसम अभी तक यकीन नहीं आता। ऐ रब्बे अजीम, तू जानता है तेरी मोहब्बत में जो कदम मैंने उठाया, इस कदम में तो रत्ती बराबर भी कमजोरी नहीं, लड़खड़ाहट नहीं, लेकिन मैं दिल का क्या करूं, ये लड़खड़ा जाता है। इस दिल पर मेरा इख्तियार नहीं है, इन आंसुओं का क्या करूं जो आज भी उसकी याद आने पर बह निकलते हैं। तू तो हर शय पर कादिर है मेरे रब, मेरे दिल से उस जालिम की याद मिटा दे, मेरे आंसुओं को खुश कर दे। क्यों खुद को जहमत दे रही हो शकीला? अब बचा ही क्या है? तुम्हारे पास हमें देने के लिए कुछ शराब थे, कुछ दुख थे, कुछ अजियतें थी, सो तुमने दिए, लेकिन हमारे पास तुम्हें देने के लिए खामोशी और गुरेज के सिवा कुछ नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं सजाद भाई, आप पहले भी ठीक ही कह रहे थे। इस मामले में सबसे ज्यादा कसूर मेरा है। मैं जानती थी अपने बेटे के नजरियात को और दुआ के अकायद से भी बखूबी वाकिफ थी। मुझे इतना बड़ा जुआ खेलने का कोई हक नहीं था। जो हो गया सो हो गया। वक्त का पहिया उल्टा तो नहीं चलाया जा सकता। मेरी तुमसे एक दरख्वास्त है शकीला, दुआ को डिस्टर्ब ना करो। मेरी बेटी ने बहुत हिम्मत दिखाई है, बहुत हौसला दिखाया है। नाजुक और हसास है वो, अचानक क्या बीतती होगी उसके दिल पर। अभी उसका जख्म ताजा है ना, ताजा जख्म पर से अगर कोई खरड़ उखेड़े ना तो होती है। बस जब तक उसकी किसी अच्छी जगह शादी नहीं हो जाती ना, हम ना मिले तो अच्छा है। मैं चलती हूं। खुदा हाफिज़। Thank you so much. वो दुआ को भी दे दिया है और अम्मी अप्पू को भी। जमीन तुम्हें पता है तुम इस घर के लिए कैसी हो। तुम आ गए तो इस घर का माहौल सोगवार और उदास होने से बच गया, वरना इस वक्त अपने घर वालों को तसल्ली देना और उन्हें बिखरने से बचाना बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए।
समझती हूँ दयान, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना सारा वक्त उन्हें दूँ, उन्हें खुश रखूँ, बातों में लगाए रखूँ ताकि उन्हें दुख और तकलीफ का एहसास ही ना हो। अम्मा अब्बा तो अब संभल गए हैं, लेकिन दुआ अभी भी डिस्टर्ब है। वो बात ही नहीं करती है, चुप चुप सी रहती है। मेरी बहन बहुत नाजुक, कोमल और अनछुए जज्बात रखती थी। उस शख्स से ताल्लुक ने उसे बिल्कुल झंझोड़ कर रख दिया है। बहुत चाहने लगी थी वो उसे, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत हर मोहब्बत को शिकस्त दे देती है। अल्लाह से वफा का जज्बा हर दूसरे जज्बे पर गालिब आ जाता है। अम्मा और अब्बा ने आप दोनों की बहुत अच्छी तरबियत की है, अच्छे बुरे का फर्क सिखाया है, अकीदा और ईमान मजबूत बनाया है आप लोगों का, तभी ये सब कुछ मुमकिन हो सका है। ठीक कहा तुमने, बहुत बड़ा एहसान है हमारे वालदैन का हम पर। उन्होंने हमारे बचपन से ही हमें अल्लाह की मोहब्बत से जोड़े रखा, और देखो हमारा घर कितना खुश नसीब है कि तुम आ गई। ज़बीन तुम्हें पता है, एक नेक पारसा और पुख्ता ईमान का शरीक हयात किसी बड़ी नेमत से कम नहीं होता। ज़बीन बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं। सब तो सिर्फ ये दुआ है कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द मेरी बहन को भी एक नेक, अच्छा, सुलझा हुआ, पुख्ता ईमान और अकीदा रखने वाला जीवन साथी अता फरमाए। आमीन। आमीन। आपसे एक बात कहूं? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तकी भाई दुआ में इंटरेस्टेड है। वाकई? तकी भाई ने आज तक किसी लड़की को नजर उठाकर भी नहीं देखा कि वो उसके लिए फूल या तोहफे लेकर जाए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बहुत गुरेज कर रहे थे दुआ को देखने से, लेकिन फिर भी बार बार उसे ही देखे जा रहे थे। लगता है बहुत अकीदतनुमा मोहब्बत हो गई उन्हें दुआ से। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा। चक्की को मैं स्कूल के जमाने से जानता हूँ, उसकी शराफत का दिल से कायल हूँ मैं। आप कहें तो मैं बात करूँ तकी भाई से? नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। दुआ जब तक अपने इस तकलीफदेह फेस से नहीं निकलती, हम उसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। हम उसे किसी बात पे भी मजबूर नहीं करेंगे। लेकिन दयान, मेरे अम्मी अबू तक की भाई के लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हमसे कोई मिसहैंडलिंग हो जाए। जब नीयत साफ हो तो मंजिल खुद चलकर सामने आ जाती है। अगर इस मामले में हमारी भलाई है तो अल्लाह की तरफ से असबाब भी बन जाएंगे। बेशक। He's really happy with me. Even they were like, you know, thankful. तुम्हारा असली चेहरा जो दिखाया मैंने उनको। मेरा असल चेहरा यही वो चेहरा है जिसकी मोहब्बत में तुम गिरफ्तार थी। तो उसे मोहब्बत भरी नजरों से देखती थी, इसे छूती थी। ये यहां की है जब मैं झांक कर तुम अपना चेहरा देखा करती थी,
चेहरा मैंने नहीं तुमने बदला है दुआ, आंखें मैंने नहीं तुमने चुराई है, रास्ता तुमने बदला है और तुम खुश भी हो तो मैं भी खुश हूं। मेरी जिंदगी में तुम नहीं तो मैं खुश हूं, मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं तो मैं खुश हूं, कोई मुस्तजाब गिल्ट नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई बोझ, कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं खुश हूं। I'm a happy man. अच्छा नहीं किया तुमने, अच्छा नहीं किया दुआ, तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, माफ नहीं करूंगा तुम्हें। You have to pay for it. I'm a happy man.